सो गाइस आज हम देखेंगे 50 फीट बाय 30 फीट हाउस प्लान, मतलब कि ये वाली जो पोजीशन है यहाँ से देखकर यहाँ तक की, जो कि है 50, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पोजीशन है जो कि है 30। तो आज मैं आपको वॉल थिकनेस भी दिखाऊंगी, मतलब ये आउटसाइड की जितने भी वॉल है जो कि है 9 इंच की, और इनसाइड की जितने भी वॉल है जो कि है 4.5 इंच की। और यहाँ पे हमने शेयरिंग वॉल प्रोवाइड की है, ये जो है वो पूरी शेयरिंग वॉल है, मतलब कि इस साइड पर अदर प्रॉपर्टी है और इस साइड पर ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो पहले हम वॉल देख लेते हैं, आफ्टर वॉल हम विंडोज और डोर्स देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वॉल। तो ये आउटसाइड की जो है वो 9 इंच वाली वॉल, ये पूरी यहाँ से देखकर यहाँ तक की ये 9 इंच, ये जो है जो कि है 4.6, मतलब 4.5 फिट की वॉल। और ये वाली जो है वो फिर से 9 फिट वाली वॉल, 9 इंच वाली वॉल। सो ये हो गई वॉल्स। बैक साइड पे हमने ये 1 मीटर की हाइट की वॉल दी है, मतलब ये आप हमें एलिवेशन में दिखेगी जो कि है 9 इंच की। सो ये हुई एलिवेशन की वॉल। तो अभी हम देखेंगे डोर्स। तो डोर्स की पोजीशन किस तरह से कहाँ होगी। तो ये हो गया यहाँ से एंट्री, ये जो है वो एंट्री वाला एरिया है, ये फायर है, और आफ्टर द फायर यहाँ पर हमने लिविंग स्पेस दी है। तो एक डोर यहाँ पर, ये हो गया एंट्री, ये हो गया लिविंग। लिविंग से होते हुए इस साइड किचन डाइनिंग स्पेस में, और इस साइड पर कॉमन टॉयलेट। तो एक डोर यहाँ पर, और ये हो गया किचन कॉमन टॉयलेट, और यहाँ से बेडरूम की एंट्री। तो एक डोर हो गया यहाँ पर, ये हो गया अटैच टॉयलेट, ये हो गया यहाँ पर, ये बैक साइड पर जो वॉश एरिया है उसका डोर, और इस साइड पर स्टोर रूम का डोर। तो ये हो गया D1, D2, D3, D4, D5, D6 डन। तो ये हो चुके डोर्स। अभी हम देखेंगे विंडोज। तो पहले हम आएंगे यहाँ से यहाँ, मतलब ये जो स्पेस है वो पार्किंग है। तो पार्किंग में से आपको लिविंग रूम की विंडो दिखेगी। तो दिस इज फर्स्ट वन। तो ये हो गया W1, यहाँ से एंटर होते ये लिविंग रूम। तो लिविंग रूम में से आप बाहर देख सकते हो। तो ये वाली सेकेंड वन विंडो, तो दिस इज अ W2। इस साइड का हम दे नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर है शेयरिंग वॉल, तो हम यहाँ पे तो दे नहीं सकते। तो अभी यहाँ से आए इस साइड, तो इस साइड भी वेंटिलेशन प्रोवाइड किया है। ये जो है वो कॉमन टॉयलेट है, और ये वाला अटैच टॉयलेट है। तो यहाँ पे हमने OTS दिया है, और ये जो है वो V1 वेंटिलेशन, 1 V2 वेंटिलेशन, 2 तो ये हो गया वेंटिलेशन। यहाँ पर हमने किचन दिया है, तो किचन के लिए विंडो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो ये हो गई विंडो 3। यहाँ पर ये है बेडरूम, तो बेडरूम में विंडो हमने इस साइड प्रोवाइड की है। तो ये हो गया W4। या अभी देख लिए हमने विंडोज एंड वेंटिलेशन। अब हम देखेंगे डिमेंशंस और स्पेस की साइज
तो ये जो है वो पार्किंग स्पेस है, यहाँ से एंट्री है, तो ये है पार्किंग स्पेस, तो ये हो गया पार्किंग। तो पार्किंग की जो साइज़ है जो कि है 12 फिट बाय 10, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है वो नहीं, तो ये हो गया पूरा 12 बाय 9 फिट। यहाँ से ये स्टेयर्स है, स्टेप अप। ये हो गया ओटा, तो ओटा की जो साइज़ है वो 6 बाय 4, मतलब 6 बाय 4, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, तो ये हो गया 6 बाय 4। दिस इज़ अ फॉयर, तो ये घर की यहाँ से ये मेन एंट्री है, ये जो है वो मेन एंट्री, यहाँ से आते ये फॉयर, और आफ्टर द फॉयर हियर इज द लिविंग स्पेस। तो लिविंग रूम की जो साइज है जो कि है 14 फिट 10 बाय 13 फिट 1, मतलब यहाँ से देखकर यहाँ तक 14 फिट 10 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है जो कि है 13 फिट 7, तो ये हो गया 14 बाय 13 फिट 7, तो ये हो गया लिविंग स्पेस। यहाँ से लिविंग में से हमने ये जाने के लिए एंट्री दी है जो कि है किचन और डाइनिंग। तो किचन डाइनिंग स्पेस के लिए ये कंबाइन है किचन डाइनिंग स्पेस, तो ये हो गया किचन डाइनिंग स्पेस। तो किचन डाइनिंग की जो साइज है वो 27 बाय 13 फिट 7, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 27 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज जो है जो कि है 13 फिट 7, तो ये हो गया 27 बाय 13 फिट 7। और यहाँ से ये एंट्री है कॉमन टॉयलेट, ये है कॉमन टॉयलेट। तो कॉमन टॉयलेट की जो साइज है जो कि है 7 बाय 5, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की 5 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की 7 फिट, मतलब 7 बाय 5, तो ये हो गया कॉमन टॉयलेट। बैक साइड पर हमने OTS प्रोवाइड किया है, तो ये जो है जो कि है 2 फिट बाय 5 फिट, ये हो गया कॉमन टॉयलेट। और अभी हम जाएंगे बेडरूम की ओर, तो ये है पूरा बेडरूम। तो बेडरूम की जो साइज है जो कि है 14 बाय 12 फिट 4, मतलब ये बेडरूम वो भी मास्टर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज है जो कि है 12 फिट 4, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज है जो कि है 14 फिट, तो ये हो गया बेडरूम। अभी हम जाएंगे अटैच टॉयलेट के, तो अटैच टॉयलेट की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है जो कि है 9 फिट 10 और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम एज इन कॉमन टॉयलेट 5 फिट, तो ये हो गया अटैच टॉयलेट। तो आफ्टर द अटैच टॉयलेट एंड बेडरूम के बाद यहाँ पे आएंगे हम स्टोर रूम के, और तो स्टोर रूम की जो साइज़ है वो 6 बाय 6, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की 6 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की 6, ये है स्टोर रूम 6 बाय 6। तो ये हो गया स्टोर रूम। स्टोर रूम के बाद हम जर्नी करते हुए जाएंगे वॉश एरिया में, तो ये है वॉश एरिया के लिए की एग्जिट। तो वॉश एरिया की जो साइज़ है जो कि है 8 फिट 4, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है वो 8 फिट 4 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइज़ है जो कि है 29 फिट 3, मतलब ये वाला जो पूरा एरिया है वो मार्जिन स्पेस है, ये वाला
यहाँ से देखो मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा एरिया है जो कि है मार्जिन स्पेस, तो दिस इज अ मार्जिन स्पेस। तो ये हो गया पूरा 30x50 हाउस प्लानिंग। तो अभी हम इसके अंदर फर्नीचर किस तरह से प्लेस करें वो हम आपको दिखाएंगे। सो लेट्स सी अ फर्नीचर। तो आपकी जो टू व्हीलर्स है वो यहाँ पे पास होगी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट थ्री, यहाँ से एंट्री है। ये वाला लिविंग एरिया है, तो लिविंग में आपके सोफा जो है वो कुछ इस पोजीशंस में होंगे, और सेंटर टेबल यहाँ पे सेंटर टेबल आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया टीवी यूनिट, तो ये हो गया लिविंग स्पेस। अभी लिविंग स्पेस में से इस साइड आएंगे तो ये आ गया किचन डाइनिंग कंबाइन। तो डाइनिंग टेबल जो है वो आपका इस पोजीशन में कुछ आएगा। तो ये आ गया डाइनिंग स्पेस। अभी ये आ गया किचन का सर्कुलेशन वाला एरिया पूरा, कि आप यहाँ ये यूजेबल स्पेस है किचन के लिए। यहाँ पे आ गए हम कमर टॉयलेट के, तो आपका कमर कुछ इस साइड पर लगेगा। इस वाले अटैच टॉयलेट में कमर कुछ इस साइड पर लगेगा। और ये आ गया हमारा मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम में बेड की पोजीशन कुछ इस तरह से। तो ये हो गए मास्टर बेडरूम। और यहाँ पर ये स्टोर रूम, स्टोर रूम के बाद यहाँ पर वॉश एरिया, तो आप यहाँ का वॉशिंग मशीन भी रख सकते हो। और अभी अपर फ्लोर लेवल पर तो टेरेस है, तो अपर फ्लोर लेवल पे जाने के लिए यहाँ से यहाँ आपको भी इसी तरह की प्लानिंग्स चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू आर कॉन्टैक्ट नंबर दैट आई ऑलरेडी मैंशन ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड एंड ऑफ द वीडियो। एंड या इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड वेट फॉर अनदर अपडेटेड वीडियो।